हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएसएल 2023-24 से रिलेटेड लेटेस्ट ट्रांसफर न्यूज के बारे में। तो एडी बॉयथ्रोड जो जमशेदपुर एफसी के हेड कोच है, तो ऐसा खबर है कि एडी बॉयथ्रोड को जमशेदपुर एफसी सुपर कप 2023 खत्म होने के बाद रिलीज कर देगी। और ऐसा खबर है कि आने वाले सीजन के लिए जमशेदपुर एफसी के हेड कोच के तौर पर हम सभी को दिख सकते हैं स्कॉट कूपर। तो स्कॉट कूपर इंग्लिश मैनेजर है और काफ़ी ज़्यादा चांस है कि आने वाले सीजन के लिए स्कॉट कूपर हम सभी को एज अ हेड कोच के तौर पर जमशेदपुर एफसी के टीम में दिखे। और नेक्स्ट अपडेट है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के संपर्क में। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के भरोसेमंद साइड बैक के खिलाड़ी गुरजिंदर कुमार, ऐसा खबर है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी से रिलीज लेने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अगले सीजन से काफ़ी ज़्यादा चांस है कि गुरजिंदर कुमार को हम नहीं देख सकते नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में। हालांकि अभी तक कुछ भी ऑफिशियली कन्फर्मेशन नहीं आया है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चांस है कि गुरजिंदर कुमार आने वाले सीजन में हम सभी को नॉर्थ ईस्ट के कलर्स में खेलते हुए ना दिखे। और नेक्स्ट अपडेट है ईस्ट बंगाल एफसी के संपर्क में। तो काफी दिनों से सर्जिल ओबेरा को लेकर कंफर्मेशन आ रहा था, ईस्ट बंगाल एफसी की कंफर्म कर चुकी है सर्जिल ओबेरा को, लेकिन ईस्ट बंगाल एफसी की तरफ से ऐसा खबर था कि किसी वजह से सर्जिल ओबेरा अगर कंफर्म नहीं हो पाते हैं तो नेक्स्ट टारगेट जो है उनका कार्लोस क्वाद्राट, उनको अपने टीम में साइन करवाएंगे ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट। तो दोस्तों, अभी फिलहाल का जैसा खबर है कि सर्जिल ओबेरा के साथ ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट का डील फेल हो चुका है और स्वप्नमय चक्रवर्ती ने यह कंफर्म किया है अपने ट्वीट के द्वारा कि क्वाद्राट आने वाले सीजन के लिए नए हेड कोच के तौर पर दिखेंगे। बस अभी तक साइनिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, जो कि जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। सारा चीज़ डन हो चुका है क्वाद्राट के साथ, ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट ने बिल्कुल कंफर्म कर लिया है क्वाद्राट को, जैसा कि कंफर्म खबर है स्वप्नमय चक्रवर्ती के तरफ से। तो चलो दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो में इतना था। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। तो चलो दोस्तों, अब मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।